अभी मैं भी जो है ना असिस्टेंट जा रहा है खाना खाने के लिए, तो मैंने सोचा मैं भी साथ पराठा खाता हूँ वहाँ से। सो मैं भी उसके साथ पराठा खाने जा रहा हूँ। अभी जाएंगे पराठा खाएंगे। और आशी को जो है ना कल कुत्ते ने काट लिया था। आफी कैन यू शो योर हैंड, लुक, यहाँ कल आफी को काटा और इसको बहुत दर्द हो रही है, तो अभी ये पेन किलर खाएगा और फिर जाके काम करेगा। आज कुत्ते भी नहीं पकड़े जा रहे बेचारे से। सुन लिया आ गए हैं हम, अभी इसने दवाई खानी है, यहाँ से हम पराठा खाते हैं। पार्किंग का ही मसला रहता है यार सारा दिन यहाँ पे। अभी ये गाड़ी निकली है तो हम यहाँ लगाएंगे। और ये सामने ही जो है ना रेस्टोरेंट है अल मलाबर, यहाँ से मैं पराठा खाऊंगा। ये देख रहे हो यार, ये वो वाला नाई है जिसने हमें बकाया था। ये सारा दिन ऐसे ही ना वेला फिरता रहता है इधर उधर, ये अपनी दुकान के बाहर बैठ के जो है ना गाने सुनने लग जाएगा। ये इसका काम है सारा दिन। हमारा आ चुका है जी, आई एम वेटिंग फॉर नान। नान हमेशा देर से आता है यहाँ पे। पराठा नहीं था यहाँ, पराठा यहाँ पे 3 बजे के बाद मिलता है, तभी मैंने नान ऑर्डर किया, तो नान में थोड़ा टाइम लगता है बनने में। ये देखें जी, ये आज आ गया हमारा नान। यार अभी मैं ना यहाँ गाड़ी में बैठा हूँ, डॉक्टर साहब गए हैं इधर ही पास ही, और इसके बाद हम लोगों ने मार्ट जाना है। यार मैं सोच रहा हूँ कि मैं रमज़ान के लिए ना दही बनाने का एक्सपेरिमेंट कर लूँ पहले। अभी मैं ना दही लेकर आता हूँ बाहर से, और फिर उसको मैं घर पे आके ना दही लगाता हूँ दूध के अंदर, और फिर मैं अपना दही बनाऊँगा, खुद घर पे बनाऊँगा। क्योंकि यहाँ पे जो दही है ना वो ऑलमोस्ट $12 का 1 किलो है, सो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर मी। अगर मैं रोज़ाना आधा किलो दही लूँगा तो इट विल बी $6। सो घर पे बनाने की उसकी ट्राई करते हैं। तो अभी मैं आपको ज़रा वहाँ के वो दिखाता हूँ। ये देखें, ये देखें। तो मैं बड़े रिलैक्स होकर यहाँ पे बैठा हुआ गाड़ी में, डॉक्टर साहब गए हुए हैं, तो अभी डॉक्टर साहब आते हैं तो फिर हम सुनली चलते हैं। वापस हम आ गए हैं सुनली में। ये देखें यहाँ पे ये जो ट्रॉलियाँ पड़ी हैं ना, इन ट्रॉलियाँ इस तरह नहीं खुलती। इस ट्रॉली के अंदर यहाँ पे जो है पैसे डालने पड़ते हैं। ये देखें 9 डॉलर और समथिंग कुछ है। यहाँ पे आपको ये पैसे इसके अंदर डालने पड़ते हैं और उसके बाद ये ओपन होती है। इसका कोई महीने का चक्कर है आई थिंक, कोई महीने में आप ये पूरी ना सर्विस ख़रीद लेते हैं, फिर आप इसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पर भी। वो डॉक्टर साहब जो है फार्मेसी पर रुक गए हैं, और यहाँ की फार्मेसी चेक करें, यहाँ पर फार्मेसी में कोई काम की चीज़ नहीं मिलती, दवाइयाँ मिलती नहीं है। 50% ऑफ है रमज़ान में। ये देखें जी, रमज़ान में फार्मेसी पे भी ऑफ लग गया, अप टू 50%। तो $5 की कच्चे मिल रहे। अभी हम जा रहे हैं जी सुनली, ये है सुनली मेगा मार्ट। खान साहब क्या हाल हैं, कैसे हैं? बढ़िया। सबसे पहले जी ये बास्केट उठा ली हमने, और डॉक्टर साहब यहाँ पे केले उठा रहे हैं कल के लिए, केले ले लिए, अंडे उठा रहे, अंडे अंडे भी उठा लेंगे, छोटा लेना, ठीक है। मैं डॉक्टर साहब प्रोटीन देख लूँगा, तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ वो ना प्रोटीन लेने के लिए, वो ताकि मैं रमज़ान में भी वो यूज़ कर लिया करूँगा, और वैसे भी मैं रात को जो है प्रोटीन पी लिया करूँगा यार। उधर इस्लामाबाद में तो मेरे पास थी प्रोटीन, लेकिन अभी वो उधर ही रह गई है, अभी चेक करते हैं। प्रोटीन तो नहीं मिली उनको पहले, मैंने भी यहाँ किसी से पूछा, उनको कुछ और समझ आई है, तो उन्होंने मुझे इधर भेज दिया सेक्शन में, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन तो नहीं है। ये देखें यहाँ पे रेड शुगर भी होती है, ये पता नहीं क्या रेड शुगर, ये है ब्राउन शुगर, ये है वाइट शुगर। रेड शुगर पता नहीं कैसी है यार, ये वाइट शुगर है। तो वाइट शुगर यहाँ बहुत महंगी है, देखें ये 1 किलो वाला है, और ये $2.95 यानी $3 का है, 600-700 रुपये की किलो चीनी है यार यहाँ।
अच्छा यार वो तो नहीं मिली हमें प्रोटीन, अभी मैं जाऊँ है ना वो ले लेता हूँ दही। तो सारे जो है ना ये फ्लेवर्ड वाले हैं, तो ये वाला मुझे मिल रहा है ग्रीन फील्ड्स, ये ओरिजिनल वाला है 1.6, मेरे ख्याल यही ओरिजिनल वाला ले लेते हैं, इसी का दही बनेगा। और जी अपना ज़ीरा ख़त्म हुआ है, ज़ीरा ढूंढते हैं, ज़ीरा ढूंढते हैं, ये रहा ज़ीरा, एक ये वाला ज़ीरा ले लेते हैं 70 ग्राम्स। ये देखें जी ये रमज़ान की तैयारी चल रही है, सारे डेट्स जो है ना ये सारी रीस्टॉक हो रही हैं डेट्स। तो हर रोज़ की तरह हम भूल चुके हैं अपना, इधर से आ जाएं डॉक्टर साहब, इधर से हम हर रोज़ की तरह अपना ग्रोसरी बैग लाना भूल गए हैं यहाँ से, और बगैर ग्रोसरी के हम उसके बैग के हमने अभी पार्किंग तक पहुँचना है।